दोस्त देखिए सुबह सुबह का वक्त है। सुबह सुबह का कुछ भी वक्त नहीं है दोस्तों, बताइए मैं सुबह उठ के मैं क्या खाऊं। सुबह उठ के आपको यहाँ जो सब सामान ड्राई फ्रूट दिए गए हैं ये सब खाना आपको। ये खजूर क्या बोलते हैं बिना बीज का, हाँ, पेन खजूर, फिल्टर पेन खजूर, पेन खजूर, हाँ, और ये मखाना, ये देखिए फ्राई किया हुआ। तो मैं तो दोस्तों देखिए इंसान ही हूँ कि नहीं बताइए। सुबह भोरे जैसे उठ जाऊंगी, मुंह हाथ धो के यहाँ पर जैसे ही बैठी पूरा प्लेट सज जाएगा, ये खाओ वो खाओ। यार मैं इंसान हूँ। आपको पेड़ा भी खाना है? पेड़ा, हाँ वही है देख। अब देखिए ये पेड़ा कब लाए हमको पता ही नहीं है। ये पेड़ा कब लाए हैं हमको पता ही नहीं है। क्या खाऊं मैं, ऐसे क्यों सजा दे रहे हो यार? ये सब आपको जल्दी जल्दी खाना है, अभी नौटंकी मत करो, फट से खाओ फट से। और सिर्फ अंजीर और अखरोट कम खाना क्योंकि गर्म रहता, बाकी सब आप खा सकते हैं। नॉर्मल गाना है ना बापू, कर दे रहा हूँ कुछ, ठीक है मैं कर दूंगा, थोड़ा सा खा लूंगा। तू तो हानिकारक है, इसमें मेरी पत्ती लग जाएगी। जोहार दोस्तों, राम राम, राम दोस्तों, मैं सावित्री, मैं गणेश जी और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों हमने चूल्हा के साथ साथ दो बर्तन भी लिए थे, और वो बर्तन है, एक है सस्पेन, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, ये चाय का मग्गा। हाँ चाय का मग्गा भी लिए और एक गंज भी लिए। चाय का मग्गा इसलिए लिए क्योंकि चाय वाय यहाँ पर बना के सबको पिलाना, बार बार लेके आते हैं और मैं ज़्यादा ट्रेवल बिल्कुल नहीं कर सकती गाड़ी में। एक बार आ जाती उसके बाद मैं यहाँ से हिलती नहीं, कि बार में शाम को जाती हूँ। तो जिसके लिए अभी रास्ते में हम लोग को दूध भी, ये देख सकते हैं कितना है, हाफ लीटर। तो दोस्तों इधर से देख सकते हैं हमारे गणेश जी चाय बना रहे हैं। अच्छा है देखिए, उस पर ऊपर से ये आ गई मलाई, देखो बड़ा प्योर दूध है देखो। तो दोस्तों इधर से देख रहे हैं हमारे गणेश जी अदरक कूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इधर से हमारे गणेश जी अदरक कूट के ले आए हैं, इधर से अदरक भी डाल दिए हैं जी। पानी वानी डालिएगा ना, सिर्फ दूध का ही चाय, आप सोचिए क्या सिर्फ दूध का ही चाय बनाना है, पानी भी डालना तो पानी है। और ये दोस्तों देख सकते हैं, ये हमने दूसरा गंज दिया है और बहुत भारी और बहुत मोटा है सच में। मुझे पहले क्वालिटी का मतलब ही नहीं, बस ले लिए, गंज मिला ले लिए, 100 है, हाँ ठीक। और ये भी सोचते थे कहीं पैसा ज्यादा तो नहीं ना दे दिया। ये इधर से मैंने डाल दी चपत्ती, चाय पत्ती, चपत्ती, आपके वक्त चपत्ती ना क्या है जी, बड़ा पत्ता पत्ता, बड़ी सुगंध, बड़ी मस्त आ रही है, स्पेशल रेड लेवल की चाय। हाँ क्या, तुलसी अदरक ये दोस्तों हम लोग अब दिन की शुरुआत हमारे छोटे से घर में ही कर रहे हैं। तो आज बनाएंगे क्या, आज हम बनाएंगे रवे का उत्तप्पा, उत्तप्पा मतलब बनाएंगे, रवे का पूड़ा भी बोल सकते हैं। हाँ क्योंकि इनको एक बार खाया तो बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंद आया मुझे। तो मैं आज भी आप देख लीजिए अभी जी जी, आज ये रेसिपी भी बनाएंगे और आज मैं वही ब्लॉग में डालने वाली हूँ कि उत्तप्पा कैसे बनाते हैं। और उत्तप्पा अगर आप एक बार बना लोगे सच में बहुत चाव सिखाओगे। तो अभी हमारे गणेश जी क्या कर रहे हैं जी, अभी मैं इधर से आप देख सकते हो धनिया और मिर्ची काट रहे हैं गणेश जी अपने हाथों से। और आज फेफड़ा ना, क्या फेफू दम 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 दम, नहीं नहीं वो प्लेट वाला लाइए ना, प्लेट में जो है फाफड़ा। हाँ तो इधर से फाफड़ा आते वक्त हमारे गणेश जी दुकान में लिए, मैं फाफड़ा का सिर्फ नाम सुनने को भी खाई नहीं क्योंकि ये सबसे पसंदीदा कहाँ का है जी, गुजरात का, गुजरात का है। और गुजरात की चीज हमारे गणेश जी को बड़े पसंद है, पापड़ी, पापड़ी, हाँ इसीलिए गेठिया जैसा थोड़ा सा लगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ का मतलब गुजरात का बड़ा फेमस है, ये गेठिया जैसा ही लग रहा है, महाराष्ट्र में भी काफी प्रचलन है इसका। अच्छा अच्छा, तो इधर से देख सकते हैं गर्मा गर्म हमारी चाय बन रही है इलायची के साथ, और चाय के साथ साथ हमारे गणेश जी इधर से हमको, मैं आपके लिए बीट काट रहा हूँ जी जी, दूध भी दे दिए गर्म करके कि मुझे पीना है, अभी मुझे वार्निंग मिला है कि आपको ये दूध पूरा फिनिश करना, दूध पीना है साथ में। क्या खाऊं मैं, क्या खाऊं, इधर से दूध, इधर से चाय, इधर से चाय, इधर से फाफड़ा, ऊपर से सबसे पहले बोल रहे हैं बीट खाइए। समझ में नहीं आ रहा, खाया तो खाए क्या, सब खाओ, सब खाना पड़ता, फिर निकाल लूंगी, खाओ चुपचाप, तीता लग रहा तब नहीं खाओगे, देखिए ये वाला है ना, अरे यार ऐसे भी सजा मत दीजिए मुझे, खाओ चुपचाप।
ये गणेश जी क्या क्रिया कर रहे हैं बताइए थोड़ा सा। देखिए मैंने अभी यहाँ से दही ले लिया, दही में डाला रवा सूजी। अच्छा दही। और उसी में डाल दिया मैंने टमाटर। वो आ रही है। इसी में डाला टमाटर। अच्छा एक मिनट दोस्तों, ये देख सकते हैं दही लाए हैं, आधा केजी लाए थे ना जी आप? आधा किलो तो पाव भर डाल दिया ना। अरे बाप रे, तो पाव भर डाल दिया। क्या क्या मिलाए जी इसमें? मैंने डाला है दही, रवा, हरी मिर्ची, टमाटर बारीक करके, हरी धनिया। अच्छा, और नमक। इससे क्या होगा, अभी 15-20 मिनट रख देना, आधा घंटा ये ऑटोमेटिक फूल जाएगा। अच्छा, और उसके बाद इसके अपन बनाएंगे पूड़े या फिर क्या बोलते हैं, उत्तप्पा। उत्तप्पा ठीक है भाई, मैं तो इंतजार कर रही हूँ खाने के लिए। खट्टी खट्टी। हाँ दोस्तों, हमारे पास तवा नहीं है तो प्लेट में कर रहे हैं। ये देख सकते हैं तेल दे दिए, और तेल देने के बाद नमक वमक तो पहले ही दिए थे, और ये देखते हैं बनता है कि नहीं, है ना। तो दोस्तों आपने देखा मेरे पतिदेव जी बना रहे थे क्या? मैं बना रहा था ये अदरे का उत्तप्पा। उत्तप्पा आप देख सकते हो जल के खार हो गया और प्लेट में नहीं हुआ। उसको चेंज करके फिर उसको चेंज करके गणेश जी बनाए। मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाए गणेश जी। उपमा। क्या है ये? हाँ उपमा। क्या उपमा? तो ये देख सकते हैं हमारी गणेश जी बनाए उपमा। हमको लग रहा है गणेश जी थोड़ा सा और पके। नहीं, उपमा इतना ही पकता है। हाँ क्या? हाँ कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कंप्लीट, यही बनेगा। हाँ होटल में भी तो थोड़ी ठंडी होने दीजिए ना। हाँ तो ठंडी हो जाने के बाद फिर गर्म करने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। इस पे गर्म नहीं होता, गर्म गर्म खाना चाहिए। हाँ जल जाता नहीं तो उस पे करके। हाँ क्या? हाँ नहीं ज्यादा गर्म है गणेश जी। नहीं गणेश जी खा लो। मस्त। तो दोस्तों आज फाइनली हमारी उपमा बन चुकी है। और क्या बनाए पहले? उत्तप्पा बनाए कोशिश किए लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उसके लिए तवा बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। तो हमारे गणेश जी इधर से खाना चालू कर दिए हैं और वो ये जल गया। उपमा देख सकते हैं, उपमा बहुत टेस्टी बनी। मैं बैक करके दिखाती हूँ। दोस्तों उपमा के साथ है रोटी गर्मा गर्म, ये दही है, नमक मिर्च है देखिए, और ये सादी दही है, और इधर ये मेरे पतिदेव जी है जो अभी खाना शुरू कर दिए हैं। करेंगे, खाइए ना, खाइए खाइए। दोस्तों ये ब्लॉग हमारा 2 दिन का है, थोड़ा थोड़ा कट कर करके रखे थे। उस दिन पूरी फैमिली जब एक साथ आए थे, उस दिन पहली बार चाय बनाए थे और कल उत्तप्पा बनाए उसी चूल्हे पे, तो वो कट कट कर करके रखे थे। और आपको पता है कभी मेरी तबीयत अच्छी रहती है, कभी ख़राब रहती है, जिस कारण मैं वीडियो को मतलब पोस्ट ही नहीं कर पाई। आप देखिए, देखते होंगे रेगुलर मेरी वीडियो भी नहीं आ रही है। तो सेहत का ख्याल रखते हुए एक दो दिन शायद मेरा अब हमेशा ऐसे ही हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। और वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। और बहुत दिनों के बाद गणेश जी फिर से अपने मतलब वो बनाने के में आए, और बहुत अच्छा बनाते हैं। कुछ भी खाना हो, सब्जी हो, रोटी, मतलब कोई भी चीज़ हो तो इनमें गुंज होता है, कुट कुट के भरा पड़ा है, तो सब बड़े चाव से खाते हैं इनके हाथों के। तो फिलहाल मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। आई होप ये वीडियो पसंद आए, पसंद प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय भारत।